सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑल कैंडिडेट्स. सो सी मैंने कल आप लोग को रिलेस के बारे में बताया था और कॉन्टेक्टर्स के बारे में बताया था. मैं आज आपको थोड़ा सा एक वीडियो शेयर करूंगा सबसे पहले, उसके बाद फिर हम थ्योरी थ्योरी पार्ट के ऊपर मूव करेंगे. तो मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ. सर शेयर हो गया वीडियो? अमित सर यस सर। ओके. अब देखो स्टूडेंट, ये एक कॉन्टेक्टर है. मैंने आप लोग को पहले भी बोला था कि आप इलेक्ट्रिकल पैनल्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज कॉन्टेक्टर्स का है, तो आपको कॉन्टेक्टर्स का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा क्लियर होना चाहिए. क्योंकि किसी भी तरह की इलेक्ट्रिकल पैनल, लो वोल्टेज हो चाहे हाई वोल्टेज हो, चाहे इंडक्शन मोटर कंट्रोल हो, चाहे पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हो, किसी भी तरीके का कंट्रोल पैनल बिना रिलेज और कॉन्टेक्टर्स के थ्रू बन ही नहीं सकता है. तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो डिवाइस है वो एमसीबी है और उसके बाद कॉन्टेक्टर्स है. तो ये एक मैंने छोटा सा कॉन्टेक्टर का एक छोटा सा वीडियो बनाया है. अब ये जो इसमें आप जो ये कॉन्टेक्टर देख रहे हो, ये बेसिकली 24 वोल्ट का कॉन्टेक्टर है. तो मैंने आपको बताया था दो टाइप के कॉन्टेक्टर्स आएंगे, तीन टाइप के आएंगे बेसिकली. 24 वोल्ट के कॉन्टेक्टर्स आएंगे, 110 वोल्ट के कॉन्टेक्टर आएंगे, 220 वोल्ट के कॉन्टेक्टर आएंगे और 440 वोल्ट के कॉन्टेक्टर आएंगे. तो ज्यादातर हम 24 वोल्ट की कॉन्टेक्टर की वायरिंग करते हैं, क्योंकि कॉलेजेस में भी आप ध्यान रखना, अगर आप किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल पैनल से रिलेटेड प्रोजेक्ट करेंगे तो 24 वोल्ट के कॉन्टेक्टर ही खरीदे. क्योंकि इसमें दो एडवांटेजेस हैं. एक तो क्या है कि अगर कोई गड़बड़ी हो तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा नहीं रहता, क्योंकि 24 वोल्ट पे रहता है तो कोई डैमेज नहीं होता है. ज्यादा से ज्यादा एसएमपीएस शॉर्ट होता है तो कोई डैमेज नहीं होता है. और दूसरा जो है, कॉन्टेक्टर की वायरिंग करते टाइम कोई रिस्क नहीं रहता इलेक्ट्रिसिटी लगने का. तो इसलिए 24 वोल्ट पे कॉन्टेक्टर के थ्रू आप परचेस करना, और कोई भी कॉलेज में प्रोजेक्ट करेंगे तो 24 वोल्ट के कॉन्टेक्टर के थ्रू ही करना. 220 वोल्ट के कॉन्टेक्टर्स को शुरू में अवॉइड करना, क्योंकि 220 वोल्ट के कॉन्टेक्टर में किसी भी तरीके की वायरिंग फॉल्ट होने पर डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट होगा और एमसीबी ट्रिप होने की प्रॉब्लम आएगी. और अगर गलती से थोड़ा सा वो करे तो तुम्हें शॉर्ट लगने का भी खतरा रहेगा. तो यहाँ पे देखो, ये 220 वोल्ट का कॉन्टेक्टर है. मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ. अब इसमें आप देखो, मैंने ये पॉज किया. यहाँ A1 और A2, ये देखो ये कॉन्टेक्टर की मेन कॉयल है. ये 24 वोल्ट की कॉयल है, ये मेन मेन कॉयल है 24 वोल्ट की. इसमें जो सप्लाई आ रही है, इसमें रेड में +24 वोल्ट है और ये जो येलो है ये जो है ग्राउंड है. तो यहाँ पे ये 24 वोल्ट का कॉन्टेक्टर है, इसीलिए मैंने इसके और हर कॉन्टेक्टर में जो कॉयल होगी वो A1 और A2 नाम से ही पहचानी जाएगी. ये आप ध्यान रखना, हर कॉन्टेक्टर में जो कॉयल होगी वो A1 और A2 नाम से ही पहचानी जाएगी. तो यहाँ देखो, आपको अगर थोड़ा सा दिख रहा होगा, मुझे लग रहा है A1 और ये A2. तो यहाँ देखो, मैंने 24 वोल्ट कनेक्ट किया. ये 24 वोल्ट आगे एक सप्लाई के थ्रू आ रहा है और ये मेन कॉन्टेक्ट है इसके. ये जो है ये 3 HP का कॉन्टेक्टर है, मतलब करीब ये 2-2.5 किलोवाट तक की मोटर को ये लोड ले लेगा. तो ये जो है, ये तीन कॉन्टेक्ट है मेन. इसके जो कॉन्टेक्ट है ये है L1, L2, L3 और T1, T2, T3. L1, L2, L3 में लाइन लगेंगे R, B और Y फेज. तीन फेज होते हैं, R, B और Y फेज. तो ये R फेज, B फेज और Y फेज, ये तीन फेज यहाँ से आ जाएंगे और यहाँ से लोड के कनेक्शन होंगे. मोटर होगा, चाहे मोटर हो, चाहे थ्री फेज का किसी और तरीके का कोई हीटर हो, इस तरीके का कोई भी थ्री फेज का लोड होगा. तो यहाँ से आप डायरेक्टली जो है, तो मैंने तो यहाँ पे एक सिंगल फेज का लोड कनेक्ट करके रखा है. तो एक फेज है और एक न्यूट्रल है. मेरे पास थ्री फेज का कोई लोड नहीं था तो मैंने एक सिंगल फेज का लोड कनेक्ट करके रखा. मैंने सिंगल फेज का एक लोड कनेक्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ से जो है सप्लाई आ रही है. अब आप देखो ये कैसे काम कर रहा है. ये देखो, ये एक रिले है. मैंने बताया था रिले और कॉन्टेक्टर करीब करीब सेम है. ये सिंगल फेज के लिए यूज होता है, कम करंट रेटिंग के लिए यूज होता है. बिल्कुल कंस्ट्रक्शन सेम है. इसके अंदर भी एक कॉयल है, ये इसकी कॉयल है. रिले अलग अलग वोल्टेजेस में आते हैं, 5 वोल्ट, 10, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, इस तरीके के रिलेज आते हैं. और इनमें कॉन्टेक्ट जो कॉन्टेक्ट होते हैं उनको हम NO, NC और कॉमन के थ्रू पहचानते हैं. रिले अलग अलग टाइप के आते हैं, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो. तो ये एक रिले है, आप इसमें क्लियरली आप देख सकते हो. और ये जो कॉन्टेक्ट है आप यहाँ से देख सकते हो. यहाँ पे कांच के अंदर आपको ये कॉन्टेक्ट दिख रहे होंगे, तीन कॉन्टेक्ट है. इसमें देखो, दो टच है और एक ओपन है. इसमें से जो दो टच है ये क्लोज कॉन्टेक्ट है और जो ओपन है वो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है. ये एक 5 वोल्ट का रिले है, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी और कम है. ये 5 वोल्ट का रिले, ये 12 वोल्ट का रिले है जो हम नॉर्मली प्रोजेक्ट वगैरह में यूज करते हैं. अब आप देखो, ये मैंने कॉन्टेक्टर की वायरिंग कैसे करके रखी है. ये एक SMPS सप्लाई है जो आप लैब में यूज करते हो, 24 वोल्ट की एक SMPS सप्लाई है. ये मैंने स्विच ऑन किया. ये 24 वोल्ट मैंने यहाँ से, आप स्क्रीन से आप देख सकते हो, ये 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ डायरेक्ट आ रही है कॉन्टेक्टर को. जैसे कॉन्टेक्टर को यहाँ पे सप्लाई आ रही है, वैसे ही जो ये कॉन्टेक्ट है यहाँ से यहाँ के बीच की जो कॉन्टेक्ट है, कॉइल को जैसी सप्लाई आई, A1 और A2 को जैसी सप्लाई आई, वैसे के वैसे ये जो कॉइल के जो कॉन्टेक्ट है ये कॉन्टेक्ट जो है चालू हो गए और लाइन जो है यहाँ से यहाँ की और शॉर्ट सर्किट हो गया.
तो ये जो कॉन्टेक्ट है ये जो है ओपन से क्या होगा, ये क्लोज होगा, ये कॉन्टेक्ट जो है पहले ओपन थे ये और ये क्लोज होगा। तो आप कॉन्टेक्टर में देखो दो ही चीज आपको ध्यान रखना है, कॉन्टेक्टर की कॉयल, कॉयल कैसी हो सकती है, 24 वोल्ट का कॉन्टेक्टर होगा तो 24 वोल्ट की कॉयल, और 48 वोल्ट का कॉन्टेक्टर होगा तो 48 वोल्ट की कॉयल, और 220 वोल्ट का कॉन्टेक्टर होगा तो 220 वोल्ट की कॉयल। तो ये कॉयल की सप्लाई आ गई यहाँ से और ये कॉन्टेक्ट हो गए, ये कॉन्टेक्ट मेन कॉन्टेक्ट है। मेन कॉन्टेक्ट देखो दो तरीके के कॉन्टेक्ट होते हैं, अभी मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होते हैं और मेन कॉन्टेक्ट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो मेन कॉन्टेक्ट होते हैं वो जो है हाई लोड के लिए होते हैं, आप कभी भी ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के ऊपर हाई लोड नहीं डालेंगे। आप देखो इसमें ये तीन पॉइंट्स जो है ये मेन कॉन्टेक्ट के हैं, और यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, ये जो इसके सप्लाई के बाजू में एक और कॉन्टेक्ट पोल छूटा हुआ है ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है। या ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट का क्या काम होता है ये मैं आपको जब वायरिंग करूंगा तब मैं बताऊंगा, पर आपको ये ध्यान रखना है जो मेन कॉन्टेक्ट होंगे उसमें उसका जो निशानी रहेगी उसमें सीधा लिखा रहेगा T1 T2 T3 L1 L2 L3, इसका मतलब है ये मेन कॉन्टेक्ट है और लोड इन्हीं में कनेक्ट होगा। कभी भी आप लोड के लिए ये तो जो मेन कॉन्टेक्ट है, मेन कॉन्टेक्ट है देखिए ये जो है मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ऑडियो में शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो यहाँ पे जो है एक कॉन्टेक्ट छूटा हुआ है ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, ये एक कॉन्टेक्ट जो छूटा हुआ है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, और ये जो तीन है ये मेन कॉन्टेक्ट जो है ये जो है तुम्हारे मेन कॉन्टेक्ट है। तो तीन फेज आर बी और वाई यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आउटपुट होंगे और ये तुम्हारी कॉइल हो गई। कभी भी आप ये ध्यान रखना कभी भी जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है उनको कभी भी यूज नहीं करना आप लोड के लिए। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट का यूज कभी भी जो है लोड के लिए नहीं होगा। तो ये हमेशा जो है आपको ध्यान रखना है जो लोड है वो हमेशा मेन कॉन्टेक्ट के ऊपर आपको डालना है। अब देखो ये जैसे ये सप्लाई है ये सप्लाई लोड के थ्रू कनेक्ट हो गई, या मैंने लोड के लिए एक लैंप लगा के रखा हुआ है और ये लैंप जो है जैसे ही मैंने यहाँ 24 वोल्ट कॉइल को दिया ये कॉन्टेक्ट जो है ओपन से क्या हुए क्लोज हुए और ये जो है लाइट जो है चालू हो गई। ये मैंने जैसे ही ऑफ किया दोबारा से लाइट जो है ऑफ हो गया। अब आप यहाँ नोटिस करना देखो ये यहाँ पे देखो आप इसके अंदर एक छोटा सा आप देखोगे की टाइप का है वो आगे पीछे होगा जैसे मैं ये चालू करूंगा। ये देखो इसके अंदर ये छोटा सा ये की है, ये देखो ये आगे पीछे हो रहा है जैसे कॉन्टेक्ट चालू बंद हो रहा है ये की जो है आगे पीछे हो रहा है। तो देखो ये जो है तुम्हारा ये है आप देखो ये एक और कॉन्टेक्टर है, ये जो है ज्यादा ये 7.5 किलोवाट का कॉन्टेक्टर है, 7.5 किलोवाट का। ये जो साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, इसमें दो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, एक ओपन कॉन्टेक्ट है और एक क्लोज कॉन्टेक्ट है। देखो ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट को आप रिमूव भी कर सकते हो, ये देखो मैंने ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट को रिमूव कर दिया, अगर आपको जरूरत नहीं है तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट को आप रिमूव भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, इसका सर्किट में कोई काम नहीं है। अगर आपको जरूरत है तब भी आप ये लगाए, क्योंकि आप मार्केट में जब कॉन्टेक्टर खरीदने जाएंगे तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट जो है ये कॉन्टेक्ट जो है ये आपको खरीदने पड़ेंगे अलग से, ये जो है फ्री नहीं आएंगे, ये आपको अलग से प्राइस पैसे देकर के इनको खरीदना पड़ेगा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट को। ये देखो कैसे करके लॉकिंग होती है मेन कॉन्टेक्टर के साथ ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट की, ये मेन कॉन्टेक्टर के साथ ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट की लॉकिंग हो गई। ये देखो अब मैंने कुछ स्विच गियर्स है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कंट्रोल पैनल तो नहीं है, ये मैंने ऐसे ही छोटा सा आपके लिए ऐसे डिजाइन करके रखा था, ये एक्चुअल में वायरिंग ऐसी नहीं होती है क्योंकि ऐसी वायरिंग इंडस्ट्री में नहीं चलेगी, ऐसी खुली खुली वायरिंग इंडस्ट्री में कभी भी ऐसी वायरिंग नहीं चलती है। इंडस्ट्री में जब वायरिंग होती है तो वायरिंग कंड्यूट के अंदर होती है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट जो जब अपन वायरिंग करेंगे कि वायरिंग कंड्यूट्स वगैरह कैसे करके लगाना है। ये सिर्फ मैं आपको स्विच गियर्स दिखा रहा हूँ। अब इसमें भी आप देखो दो कॉन्टेक्ट्स लगे हुए हैं, दो कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, ये भी इंडक्शन मोटर के लिए मैंने डिजाइन किया था। तो ये देखो दो कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं इसमें, ये ऊपर के आप जो देख रहे हो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये ऊपर के जो कॉन्टेक्ट हैं ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट हैं, ये जो ऊपर के जो कॉन्टेक्ट है और ये जो नेक्स्ट वाली उधर पे जो उस कोने में जो डिवाइस आपने अभी देखी, उस कोने में जो आपने डिवाइस देखी मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। सर ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट कब यूज करेंगे अपन? हाँ मैं बता रहा हूँ ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट कब यूज करेंगे, अभी मैं आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग जब मैं सिखाऊंगा कि दो तरह की वायरिंग होती है, मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, दो तरह की वायरिंग होती है, पावर की वायरिंग और एक कंट्रोल की वायरिंग। जब भी कंट्रोल पैनल डिजाइन करेंगे तो दो तरह की वायरिंग होगी, एक पावर की वायरिंग और एक कंट्रोल की वायरिंग। कंट्रोल की वायरिंग आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कंट्रोल करने के लिए जो कॉन्टेक्टर्स है उनको कंट्रोल करने के लिए जो वायरिंग बनती है वो कंट्रोल वायरिंग कहलाती है। तो जब आप ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट का यूज कंट्रोल सिस्टम की वायरिंग में करेंगे ना कि उसको पावर को फ्लो कराने के लिए, पावर को फ्लो कराने के लिए आपको मेन कॉन्टेक्टर का ही यूज होगा। अमित सर क्लियर है? ओके ये जो साइड में जो कोने में जो मैंने डिवाइस दिखाई ये होता है थर्मल ओवरलोड रिले, ये आपके स्विचेस हो गए, ये आपके स्विचेस हो गए, पुश बटन है। अब ये स्विचेस में भी देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट
ये जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस मैं आपको बोल रहा था, ये थर्मल ओवरलोड रिले है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, ये थर्मल ओवरलोड रिले। ये जो है, ये जो येलो कलर के जो वायर्स आ रहे हैं, ये वायर जो है आपके मोटर के साथ कनेक्ट होंगे, और ये इनपुट है। ये थर्मल ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग कैसे करके करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये मोटर को ओवरलोडिंग से बचाती है और मोटर को जलने से बचाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसकी करंट सेटिंग कैसे करनी है सब मैं आपको आगे के वीडियोज में बताऊंगा। ये आपकी एमसीबी हो गई, ये आपकी थ्री, ये आपकी चार पोल की एमसीबी हो गई। आपको थ्री पोल की आवश्यकता है, चौथे पोल की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस लोड में न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती। आप लोग शुरू से जानते हैं कि बैलेंस लोड के लिए आपको न्यूट्रल की जरूरत नहीं है। तो मैंने एक पोल देखो खाली छोड़ के रखा है यहाँ पे। यहाँ पे तीन पोल आया है, यहाँ से तीन फेज आया, आर बी और वाई। सबसे पहले एमसीबी में गया है। अगर एमसीबी ना हो तो आप फ्यूज भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एमसीबी आपको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से शॉर्ट सर्किट से दोनों से प्रोटेक्शन देगा। फिर देखो ये तीन फेज यहाँ से आया है। ये कुछ कुछ वायरिंग है, ये वायरिंग आपको समझ में नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वायरिंग आप मैं आपको समझाऊंगा तब आपको ये क्लियर होगा कैसे करके ये वायरिंग करनी है। ये देखो मैं इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इसका भी ओपन कर रहा हूँ। ये देखो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ये ओपन हो रहा है, ये आपको अलग से खरीदना पड़ेगा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। यहाँ लॉकिंग मैकेनिज्म रहता है पीछे, इस लॉकिंग मैकेनिज्म को ओपन करके आप उसको खींच लो, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इसका ओपन हो गया। ये इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ओपन हो गया। इसमें दो कॉन्टैक्ट्स आए ऑक्सिलरी में, एक ओपन है और एक क्लोज है। तो ये आप बड़ा भी ले सकते हो, इसमें चार कॉन्टैक्ट वाला ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी मिलेगा। तो जब मेन कॉन्टैक्टर चालू होगा तो नीचे ये लॉकिंग मैकेनिज्म के कारण ये कॉन्टैक्ट भी चालू और बंद होंगे, लेकिन इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी इन इसके मेन कॉन्टैक्टर की करंट कैरिंग कैपेसिटी जैसी नहीं होगी। तो किसी भी तरीके का हैवी लोड आप इन कॉन्टैक्टर के ऊपर नहीं डालेंगे ऑक्सिलरी के ऊपर। इसी तरीके से देखिए इसमें भी ये लॉकिंग मैकेनिज्म है नीचे। ये मैं एक हाथ में मेरा कैमरा है, इस कारण से मैं इसको ओपन नहीं कर पाया। दो हाथ से इसको ओपन करना था लेकिन मैं कर नहीं पाया हूँ, तो मैं इसलिए उसको छोड़ दिया फिर मैंने। तो ये दो वीडियो मैंने आपको दिखाया, तो मुझे लगा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आप लोग की हुई होगी इसको लेकर के। मैं अब देखो ये जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये एक रिले है। मैं एक बार थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, रिले जो है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। अब आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है ये चीज। क्या बोलते हैं, रिले में एक कॉयल होगी, रिले में भी एक कॉयल होगी, कॉन्टेक्टर में भी एक कॉयल होगी। रिले में एक कॉयल होगी और उस कॉयल के साथ एक कॉन्टेक्ट होगा। दो तरीके के कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, ओपन और क्लोज, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। ये एक ओपन कॉन्टेक्ट है रिले में, कॉयल में जैसी करंट फ्लो होगा ये कॉन्टेक्ट जो है ओपन से क्लोज होगा और ये लोड जो है चालू हो जाएगा। इसी तरीके से देखो ये रिले के अंदर का मैकेनिज्म है। थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अपन कवर कर सके, तो आप वीडियो को दोबारा से देख लेना अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो। आप वीडियो जो है, ये वीडियो आपको शेयर हो जाएगा, ये वीडियो आप थोड़ा सा देख लो। अब देखो ये जो रिले के अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है, आप फिर से देख लो, यहाँ पे ये कॉयल हो गई, इसकी मेन कॉयल हो गई, ये इसकी मेन कॉयल हो गई और ये इसके कॉन्टेक्ट हो गई। ये बीच वाला पॉइंट कॉमन हो गया और ये क्लोज कॉन्टेक्ट है और नीचे वाला ओपन कॉन्टेक्ट है। ये क्लोज कॉन्टेक्ट है और ये नीचे वाला ओपन कॉन्टेक्ट है। जब रिले डी एनर्जाइज, मतलब यहाँ तुमने कोई भी सप्लाई नहीं डाली है, तो देखो ये क्लोज कॉन्टेक्ट ऊपर वाला जो है क्लोज है और नीचे वाला जो है ओपन है। इसको हम इसको नॉर्मली क्लोज कहते हैं और ये नॉर्मली ओपन। और यहाँ पे देखो ये एनर्जाइज वाली कंडीशन है, ये वाली जो एनर्जाइज वाली कंडीशन है, यहाँ पे तुमने कॉयल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। 6 वोल्ट 12 वोल्ट जितने वोल्ट का भी रिले है उतने वोल्ट का आपने बैटरी से लगा दिया। अब देखो ये कॉयल का जो कॉन्टेक्ट है ये चेंज हो गया, ऊपर से जो है ये क्योंकि चुंबक है, इस मैग्नेट ने इस कॉन्टेक्ट को खींचा नीचे की ओर और ऊपर वाला कॉन्टेक्ट ओपन हो गया और नीचे वाला कॉन्टेक्ट क्लोज हो गया। तो देखो ये जो जैसे ही आप इसमें सप्लाई दोगे तो नॉर्मली ओपन क्लोज हो जाएगा और क्लोज जो है ओपन हो जाएगा। तो ये जो है इसका वर्किंग का तरीका है। अब आप देख लो, ये देखो ये जो कॉन्टेक्ट है ये आप, अब आपको इलेक्ट्रिकल में ये ध्यान रखना है, ये कॉन्टेक्ट कहलाता है नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट और ये कॉन्टेक्ट होते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट। ये जो सिंबल है ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट का है और ये जो सिंबल है ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट का है। बाकी ये सिंबल इस तरीके से है, ये पत्ती आपस में जुड़ती है और क्लोज होती है। अब देखो रिले जो है, ये देखो रिले जो है, ये सिंबल है, ये देखो रिले की कॉयल और रिले के साथ में ये कॉन्टेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ये रिले की कॉयल और कॉयल के साथ में एक कॉन्टेक्ट, हर रिले का कॉयल होगा और साथ में क्या होगा उसका कॉन्टेक्ट होगा। कॉन्टेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, क्लोज और ओपन। ये देखो ये कॉयल, ये ओपन कॉन्टेक्ट रिले का, ये कॉयल और ये इसका क्लोज कॉन्टेक्ट। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, हर रिले के अंदर एक कॉयल होगा और एक कॉन्टेक्ट होगा। कॉयल जो है 6 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट कितने का भी हो सकता है। कॉन्टेक्ट में जो है आप कुछ भी लगा सकते हो, कॉन्टेक्ट में आप किसी भी अमाउंट का एसी लोड भी लगा सकते हो, डीसी लोड भी लगा सकते हो, वोल्टेज कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो है बहुत ज्यादा हैवी लोड ना हो, जैसे कि उसके उसकी मान लो 2 HP 3 HP ऐसा लोड नहीं लगा सकते। आप जो है ये रिले के ऊपर लिखा रहेगा कि आप इसमें इतने अमाउंट का ही
लोड लगा सकते हो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि उससे ज्यादा लोड ना लगाएं, क्योंकि ये जो लोड है, ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आप हैवी लोड लगा देंगे तो ये कॉन्टैक्ट जो है आपस में बर्न आउट भी हो सकते हैं, क्योंकि जब डिवाइस चालू या बंद होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल एक चिंगारी टाइप की निकलती है, तो उसके कारण कॉन्टैक्ट जो है डैमेज हो जाते हैं। ये जो कॉन्टैक्ट है इसमें चिंगारी बनती है जब ये लोड चालू या बंद होता है, इसके कारण ये कॉन्टैक्ट डैमेज हो जाते हैं। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि हर रिले के अंदर ये कॉयल होगा और कॉइल के साथ एक कॉन्टैक्ट होगा। कॉन्टैक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, ओपन कॉन्टैक्ट और क्लोज कॉन्टैक्ट। बाकी जो कॉन्टैक्टर होंगे उसमें तीन कॉन्टैक्ट होंगे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ तीन फेस के लिए। ये आपका रिले का सिंबल मैंने आपको बताई दिया, ये कॉइल है और ये इसके कॉन्टैक्ट है, बीच वाला कॉमन है और ये ओपन कॉन्टैक्ट है और एक क्लोज कॉन्टैक्ट है। आप ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग आप देख लो, ये आपको मुझे लग रहा है इसमें कुछ बताने का है नहीं, आपको ये समझ में आ गया है। यहाँ पे देखो एक स्विच लगा हुआ है, ये रिले की कॉयल है, सीआर से डिनोटेड है, ये रिले की कॉयल है और ये देखो ये सीआर, ये रिले उसी रिले का ये कॉन्टैक्ट है। इसमें इस रिले में दो कॉन्टैक्ट थे, एक ओपन कॉन्टैक्ट और एक क्लोज कॉन्टैक्ट। ये देखो ओपन कॉन्टैक्ट के साथ एक लोड लगाया हुआ है, एक लैम्प का सिंबल है, और क्लोज कॉन्टैक्ट के साथ एक लोड लगाया है, ये एक लैम्प का सिंबल है। आप देखो ये स्विच ओपन है तो मुझे आप बताओ कौन सा लोड चालू होगा। देखो इसमें ये वाला लोड चालू मिलेगा क्योंकि ये क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो सप्लाई कहाँ से हमने ये पता है कि फेज यहाँ पे रहता है और न्यूट्रल यहाँ पे रहता है, फेज यहाँ पे और न्यूट्रल यहाँ पे। करंट कैसे फ्लो होगा जब ये क्लोज कॉन्टैक्ट मिलेगा इसको, जैसे स्विच ओपन है, लेकिन देखो ये चूंकि ये क्लोज कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, तो करंट यहाँ से फ्लो होगा और ये लाइट आपको चालू मिलेगी। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो ये जो रिले है इसमें सप्लाई फ्लो होगा और क्लोज कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, तो नीचे वाली लाइट ऑफ हो जाएगी और ऊपर वाली लाइट चालू हो जाएगी। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सिंबल है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये रिले की कॉयल हो गई और ये रिले के कॉन्टैक्ट हो गए। और रिले की कॉयल अगर सीआर नाम से है तो यहाँ सीआर लिखना है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल डायग्राम में जब आप ढूंढोगे तो पांच रिले लगे रहेंगे, तो एक रिले का नाम रहेगा सीआर वन, दूसरे का सीआर टू, तीसरे का सीआर थ्री, और उस कॉयल का जो कॉन्टैक्ट होगा वो उसका नंबर भी सीआर वन ही होगा। सीआर वन मतलब इसका ये कॉन्टैक्ट है, इससे ये समझ में आएगा। अगर पांच रिले होंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर ये टू हो जाएगा तो यहाँ पे भी टू हो जाएगा, यहाँ पे भी टू हो जाएगा। अब जो है मैं आपको ये वाला आपको दिखा देता हूँ, सर कनेक्टर का डायग्राम आ गया। यस सर। ओके, अब देखो ये जो है ये भी रिले है, मैंने आपको पहले कॉन्टेक्टर भी एक रिले ही होता है। बेसिक डिफरेंस ये है, ये हाई लोड के लिए होता है और थ्री फेज के लिए होता है। ये जो है ये हाई लोड के लिए और थ्री फेज के लिए। अब आप देखो इसके अंदर तीन कॉन्टैक्ट्स हैं, यहाँ आपको दिख ही रहा है लाइन और लोड। जैसे ही आप यहाँ पे ये कॉयल है, ये जैसे जैसे रिले में कॉयल होती है वैसे इसमें भी कॉयल है। इस कॉयल में जैसे ही आप करंट फ्लो करोगे चुंबक बनेगा और ये चुंबक जो है कॉन्टैक्ट्स को खींचेंगे। तो ये देखो ये यहाँ से ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। ये कॉन्टैक्ट जैसे ही शॉर्ट होंगे वैसे ही कहाँ से फ्लो होने लगेगा, एल वन से टी वन, टी वन एल टू से टी टू और एल थ्री से टी थ्री। अब ये सिंबल देख लो, यहाँ पे फिर से देख लो, मैंने ये बता दिया कॉन्टैक्टर के अंदर कॉयल होगा, ये कॉन्टैक्टर की कॉयल, और मैंने इसमें बताया तीन कॉन्टैक्ट्स होंगे, मेन कॉन्टैक्ट्स तीन होंगे, ये आर फेस के लिए, ये बी फेस के लिए और ये वाई फेस के लिए। तो ये तीन फेस के तीन कॉन्टैक्ट्स हो गए और ये कॉन्टैक्ट जो है बेसिकली हमेशा जो कॉन्टैक्टर में ये कॉन्टैक्ट्स आएंगे ये ओपन कॉन्टैक्ट्स ही रहेंगे, ये क्लोज कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट आपको ओपन और क्लोज दोनों मिलेंगे, पर मेन कॉन्टैक्ट्स हमेशा ध्यान रखना, ये कभी भी क्लोज कॉन्टैक्ट के कॉन्टैक्टर्स मैंने नहीं देखे, हो सकता आते हो लेकिन ये ज्यादातर 99% मैंने देखे हैं ये कॉन्टैक्ट जो है क्लोज ही रहते, ओपन ही रहेंगे। तो ये कॉइल में जैसे ही आप सप्लाई दोगे कॉन्टैक्टर, फिर मैंने बोला 24 भी आएंगे, 220 वोल्ट के भी आएंगे और 440 वोल्ट के भी आएंगे। इसमें 24 वोल्ट वाला डीसी रहेगा और 230 वोल्ट वाला एसी रहेगा और 440 वोल्ट वाला भी एसी रहेगा। तो ये 24 वोल्ट डीसी का कॉन्टैक्टर होगा, तो 24 वोल्ट की कॉइल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। जैसे ही आप दोगे ये कॉन्टैक्ट ओपन से ही क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये लाइन साइड है, ये लोड साइड है, यहाँ से लाइन से लोड की ओर जो है करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। अब जो है ये कुछ सर्किट है, ये कॉन्टैक्टर का एक फोटो है। अमित सर दिखने लगा कॉन्टैक्टर, मैंने चेंज किया थोड़ा सा। यस सर। ओके, अब देखो ये जो है ये कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर मैंने आपको बता दिया। अब आपको यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होना चाहिए, ये L1 L2 L3 और ये T1 T2 T3, यहाँ से लाइन यहाँ से आएगी तीन फेज की RBYY। और ये जो है ये तुम्हारी ये जो पीछे वाली है, ये जो पीछे है ये तुम्हारा कॉयल हो गया A1 और A2। और ये जो है ये जो एक पॉइंट छूटा हुआ है ये ऑक्सिलरी, मतलब एक ऑक्सिलरी इन्होंने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। ये किस टाइप का कॉन्टैक्ट है, यहाँ देखो आप लिखा हुआ है एनो टाइप का कॉन्टैक्ट है, मतलब एक ऑक्सिलरी दिया हुआ है एनो टाइप का। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा जरूरत है तो आपको इसके ऊपर जो है मैंने बताया ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का एक छोटा सा बकेट आएगा, वो बकेट आपको खरीद के इसके ऊपर इसको लॉकिंग के थ्रू ऊपर लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर ये लॉकिंग कर दोगे इसके साथ, तो ये जो अंदर की शाफ्ट है जब ये कॉन्टैक्टर चलेगा तो ये शाफ्ट अंदर बाहर होगा, तो साथ में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को भी
अंदर बाहर करेगा। तो अभी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की वायरिंग मैं आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझ लो कि आपको लाइट कभी भी ये जो लोड है ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के ऊपर नहीं डालना है, इनका यूज नहीं करना है। जहां L1 L2 L3 रहेगा वहीं पे आप लोड को डालोगे, इनकी वायरिंग के ऊपर आप लोड नहीं डालोगे। इसमें जो है हल्के अमाउंट का लोड ये ले सकता है लेकिन हैवी लोड ये नहीं ले सकता। और साथ में ये देखो, ये मैंने आपको डिवाइस बताया, हर इंडक्शन मोटर कंट्रोल पैनल में ये डिवाइस जरूर से लगी होगी। इसको थर्मल ओवरलोड रिले कहते हैं। अब ये कैसे करके काम करता है ये मैं जब आपको थर्मल ओवरलोड रिले बताऊंगा तब इसकी वर्किंग मैं आपको सब समझा दूंगा। बस ये समझ लो इसके ऊपर ये करंट की सेटिंग है और इसका बटन है, तो आप जितने करंट चाहे उतना सेट कर सकते हो। उससे ज्यादा करंट होने पे ये मोटर को ब्रेक करता है। कैसे ब्रेक करता है, कैसे वायरिंग करनी है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। आप देखो यहाँ पे ये मैं छोटा सा एक सर्किट डायग्राम आपको, ये थ्री फेज मोटर स्टार्टर का है। तो ये पहला मोटर स्टार्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो ये इसकी खासियत क्या है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो 5 HP से कम की इंडक्शन मोटर है तो आप जो है इसको डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। 5 HP से कम की अगर इंडक्शन मोटर है तो ये जो स्टार्टर है, ये जो स्टार्टर का सर्किट है, ये 5 HP से कम की इंडक्शन मोटर के लिए ये सर्किट जो है आपका काम में आ जाएगा। अब 5 HP से कम ज्यादा में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मशीन्स में पढ़ चुके हो 5 HP से ज्यादा की अगर इंडक्शन मोटर है तो क्या होगा, जब शाफ्ट रुका रहेगा और सडनली आप उसको वोल्टेज दोगे तो उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट से करंट फ्लो होगा और इसके कारण क्या होगा, करंट जो है स्टार्टिंग में बहुत हाई रहेगा। इसके कारण क्या है, वाइंडिंग जो है डैमेज हो सकते हैं और भी कुछ कुछ रीजन से। और स्टार्टिंग टॉर्क भी इनिशियल रुका रहेगा तो एकदम जर्क आएगा और आगे जो है मोटर कहीं ना कहीं शाफ्ट के थ्रू कपल रहेगी तो वो जो शाफ्ट की कपलिंग है वो टूट सकती है। तो इसलिए 5 HP से ज्यादा की मोटर्स को आप कभी भी ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की मदद से की कोशिश नहीं करेंगे। 5 HP से ज्यादा की मोटर है तो उसके लिए मैं आपको दूसरा सर्किट बताऊंगा, उसको स्टार डेल्टा स्टार्टर कहते हैं, उसके थ्रू यूज करेंगे। तो ये देखो 5 HP से कम की मोटर के लिए मैं ये एक डायग्राम आपको बता रहा हूँ। ये आप डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से देखो, कुछ कुछ मुझे लग रहा है सिंबल्स आपको समझ में आएगा। ये देखो ये जो सिंबल है ये मैंने बताया था थर्मल ओवरलोड रिले का सिंबल है, ये आप ध्यान रख लो, ये थर्मल ओवरलोड रिले का सिंबल है। तीन फेज का है, L1 L2 L3 ये तीन फेज यहाँ से आ रहे हैं, ये मोटर यहाँ पे कनेक्टेड है। ये जो कॉन्टैक्ट्स है ये कॉन्टैक्ट्स किसके हैं, ये जो कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट्स हैं। ये कॉन्टैक्टर कहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये जो M आप देख रहे हो, मैंने बताया था कॉन्टैक्टर का नाम और उस पे लिखे हुए कॉन्टैक्ट्स के नाम सेम होने चाहिए। ये जो M है ये कॉन्टैक्टर की आपकी कॉन्टैक्टर की कॉयल है, ये कॉन्टैक्टर की कॉयल है और ये इसके कॉन्टैक्ट्स हो गए तीन, ये इसके तीन कॉन्टैक्ट्स हो गए, ये रेड कलर के ये मेन कॉन्टैक्ट हो गए। तो ये तुम्हारी कॉयल हो गई और ये एम के साथ ये एम है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये एम के साथ जो ये एम है ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। तो देखो आप कैसे करके आएगा, लाइन सबसे पहले किस में आएगी, कॉन्टैक्ट में आएगी, सबसे पहले कॉन्टैक्ट में आएगी, फिर कॉन्टैक्ट से निकलेगी ओवरलोड में आएगी। यहाँ पे आप देखो सबसे पहले लाइन कैसे आएगी, लाइन यहाँ पे आएगी, L1 L2 L3 तीन लाइन यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से निकलेगी T1 T2 T3 लाइन यहाँ से आएगी, L1 L2 L3 से लाइन आई, T1 T2 T3 से लाइन निकली, निकलने के बाद कहाँ पे चली गई, ओवरलोड में, ये ओवरलोड में चली गई, ये T1 यहाँ से जुड़ गया, T2 यहाँ से जुड़ गया, T3 यहाँ से जुड़ गया, ये तीनों के तीनों लाइन जो है आपस में आई और ये तीनों यहाँ से कनेक्ट हो गए और यहाँ से मोटर की ओर, ये जो नीचे है यहाँ से मोटर की ओर चला गया। अब आप देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ये लाइन आई L1 L2 L3 ये लाइन यहाँ पे आई, कॉन्टेक्टर में गई, सबसे पहले कॉन्टेक्टर के आउटपुट से निकला और कहाँ पे चली गई, ओवरलोड में चली गई, ओवरलोड से कहाँ पे चला गया आपका, ये थ्री फेज मोटर में चला गया। ये वायरिंग आपको क्लियर है, ये पावर की वायरिंग कहलाती है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये पावर की वायरिंग कहलाती है। मैंने बताया था दो टाइप की वायरिंग होगी कंट्रोल पैनल के अंदर, एक पावर की वायरिंग और एक कंट्रोल की वायरिंग। तो ये जो वायरिंग है ये पावर की वायरिंग हो गई, ये पावर की वायरिंग क्लियर है। अब जो है कंट्रोल की वायरिंग, अब कंट्रोल की वायरिंग कैसे होगी, अब देखो यहाँ पे देखो दो स्विच है, एक स्टार्ट स्विच है और एक स्टॉप स्विच है। ये स्टार्ट स्विच किस टाइप का है, ये क्लोज टाइप का स्विच है। यहाँ से आप डायग्राम देखो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ये क्लोज टाइप का स्विच है क्योंकि ये चिपका हुआ है यहाँ से। ये स्टार्ट स्विच किस टाइप का है, ये नॉर्मली ओपन टाइप का, मतलब ये इनिशियली जब आप इसको प्रेस नहीं करोगे तो ये ओपन है। और ये स्टॉप स्विच ये किस टाइप का है, ये क्लोज टाइप का स्विच है। अब देखो ये पावर यहाँ से ले रहा है, यहाँ पे एक लाइन टच है और यहाँ पे एक लाइन टच है। अब देखो यहाँ पे जो ये कंट्रोल की वायरिंग बनी है ये कितने वोल्ट के अक्रॉस बनी है, ये 440 वोल्ट के अक्रॉस बनी हुई है। हम लोग जो वायरिंग करेंगे ये 440 वोल्ट के अक्रॉस नहीं करेंगे, हम 24 वोल्ट के अक्रॉस करेंगे। तो ये 440 वोल्ट के अक्रॉस इन्होंने कंट्रोल की वायरिंग बनाई है, तो इसमें जो कॉन्टेक्टर लगेगा ये 440 वोल्ट का कॉन्टेक्टर लगेगा। अब आप यहाँ पे देखो कैसे ये पावर यहाँ से आई, ये स्टॉप स्विच से आगे बढ़ी क्योंकि ये क्लोज है, तो ये पावर यहाँ से आगे बढ़ी, यहाँ पे आके क्योंकि ये स्टार्ट स्विच ओपन है, ये कॉन्टैक्ट भी ओपन है, तो ये देखो पावर यहाँ पे आके रुकी रहेगी, ये कॉन्टैक्टर को पावर नहीं मिल पाएगी और ये कॉन्टैक्ट जो है बंद रहेगा और ये कॉन्टैक्ट जो है ओपन रहेंगे और मोटर जो है बंद रहेगा। तो ये कॉन्टैक्ट नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो है ये पावर यहाँ पे आके रुकी रहेगी, पावर इसके आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि ये स्टार्ट स्विच ओपन है।
तुम जैसे ही ये स्टार्ट स्विच प्रेस करोगे देखो पावर आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहां तक आके पावर रुकी हुई थी, पावर आगे बढ़ी यहां से होते हुए किसको मिली, नीचे नीचे से पावर जा सकती है क्या? नीचे से पावर नहीं जाएगी क्योंकि ये ओपन कॉन्टेक्ट है, तो ये पावर यहां से आगे बढ़ी, यहां से आगे बढ़ करके ये जो कॉयल है यहां तक पहुंच जाएगी पावर। जैसे कॉयल को पावर मिला यहां से देखो ये इसको यहां से दूसरा फेस तो यहां से डायरेक्ट मिल ही रहा था क्योंकि ये क्लोज कांटेक्ट है किसका, ओवरलोड रिले का। अभी आप इसको छोड़ दो, अभी आप सोचो कि ये डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है, अभी ओवरलोड रिले का कॉन्सेप्ट मत लो, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो ये समझ लो ये शॉर्ट सर्किट है, ये जो पॉइंट है ये शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है। तो यहां से इसको डायरेक्टली मिल ही रहा था पावर, न्यूट्रल जो है यहाँ से या L2 इसको डायरेक्टली यहाँ से मिल ही रहा था। जैसे पावर यहाँ से गई तो ये कॉन्टेक्टर चालू हुआ, कॉन्टेक्टर जैसे चालू हुए तो ये सारे के सारे कॉन्टेक्ट जो है क्लोज हो गए, क्लोज हुआ ये ओवरलोड रिले से होते हुए मोटर को पावर मिला, मोटर चालू हो गई, मोटर घूमने लगी। उसके बाद तुमने स्टार्ट स्विच को छोड़ दिया। अब स्टार्ट स्विच को छोड़ दिया तो क्या होगा, देखो अगर ये नीचे ये पाथ नहीं होता, अब जैसे स्टार्ट स्विच को छोड़ दिया, अभी मान लो ये मैं इसको छुपा दे रहा हूँ, ये मैंने इसको छुपा दिया, मान लो स्टार्ट स्विच को छोड़ दिया, जैसे अगर ये नीचे नहीं होता तो क्या होता, तुरंत ये पावर कट जाती, कॉइल को पावर मिलना बंद हो जाता। जैसे कॉइल को पावर मिलना बंद हो जाता है ये वापस से कॉन्टेक्ट क्लोज से ओपन में आ जाते और मोटर जो है फिर से बंद हो जाती। तो क्या हम ऐसा कॉन्टेक्ट स्टार्टर चाहते हैं कि बार बार हम उसको पकड़ के ही वो हमेशा दबा के रखें? ऐसा नहीं होता, हम चाहते हैं कि एक बार स्टार्ट बटन प्रेस करे और उसके बाद छोड़ दे और ये कॉन्टेक्टर जो है लैच हो जाए, होल्ड हो जाए और ये चलता रहे जब तक कि हम स्टॉप बटन ना प्रेस करें। तो देखो ये इसको कहते हैं होल्डिंग का कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सभी इलेक्ट्रिकल पैनल्स में आपको ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज करना पड़ेगा, इसको कहते हैं होल्डिंग का कॉन्सेप्ट। होल्ड कैसे करके कराना है, ये देखो ये जो मोटर की जो कॉइल है, आप देखो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का काम आ गया, मैंने बोला एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इसमें से लेना, इसके अंदर ये जो मेन कॉन्टैक्टर है इसमें मेन कॉन्टैक्ट्स और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होंगे, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स के दो पॉइंट है, ये ओपन टाइप का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को स्टार्ट बटन के साथ पैरेलल में कर देना इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। जैसे ही तुम स्टार्ट बटन को इसके साथ पैरेलल में करोगे अब क्या होगा, आपने स्टार्ट बटन प्रेस किया, मेन कॉन्टैक्टर चालू हुआ, तो ये कॉइल में करंट फ्लो हुई, तो मेन कॉन्टैक्टर चालू हुआ, मोटर चालू हो गई, तो ये M कॉन्टेक्ट ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है ये भी क्लोज होगा। जैसे ही ये क्लोज होगा तो देखो आप दो रास्ते हो गए पावर को जाने के लिए, एक ऊपर वाला रास्ता और एक नीचे वाला रास्ता। अब ये एक और गेट बन रहा है, मैंने इसीलिए आपको और गेट पढ़ाया था, और गेट में चाहे कोई सा भी चालू होना चाहिए, एक ऊपर वाला चालू हो चाहे नीचे वाला चालू हो। अब देखो तुम स्टार्ट स्विच छोड़ दोगे उसके बाद भी नीचे वाला रास्ता चालू है, नीचे वाले रास्ते से करंट फ्लो होता रहेगा और ये कॉन्टेक्ट को होल्ड करे रहेगा, ये कॉन्टेक्टर बंद नहीं होगा। कब तक बंद नहीं होगा, जब तक कि आप ये स्टॉप स्विच नहीं प्रेस कर दोगे। जैसे ही स्टॉप स्विच प्रेस करोगे ये पाथ कट जाएगा, जैसे ही पाथ कट जाएगा तो ये कॉन्टेक्टर डीएनर्जाइज होगा, जैसे ये कॉइल में पावर मिलना बंद होगा, ये कॉइल में पावर मिलना बंद हो जाएगा तो ये कॉन्टेक्टर डीएनर्जाइज होगा, ये कॉन्टेक्टर डीएनर्जाइज होंगे तो ये सारे डीएनर्जाइज होकर के मोटर को रोक देंगे और फिर मोटर तब तक रुका रहेगा जब तक आप दोबारा से क्या नहीं प्रेस करोगे, स्टार्ट स्विच नहीं प्रेस करोगे। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोग को थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है क्या होंगे? अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ओवरलोड रिले का, ये जो मैंने आपको बताया यहाँ ओवरलोड रिले कैसे यूज हो रहा है। अब देखो ये ओवरलोड रिले ये है, ये जो रिले है ये ओवरलोड रिले है। अब देखो मैं आपको ओवरलोड रिले बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है। देखो मोटर जब इंडस्ट्री में लगी रहती है तो वो आगे कुछ ना कुछ सिस्टम के साथ कनेक्ट होगी, कोई शाफ्ट या कोई मैकेनिकल लोड के थ्रू वो कनेक्टेड रहेगी। तो आप जो है आपको पता नहीं रहेगा, कभी हो सकता है उसमें मैकेनिकल लोड जो है ज्यादा हो जाए, कहीं कुछ जाम हो जाए या कहीं किसी तरह की कोई आगे की प्रॉब्लम्स के कारण मोटर के ऊपर हैवी लोड आ जाए, मतलब मोटर का जो टॉर्क देने की क्षमता है उससे ज्यादा उसके ऊपर जो है लोड आ जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोटर हैवी अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करने लगती है और मोटर में ओवर हीटिंग होती है और ओवर हीट हो करके जो है ये जो रिले आपका जो मोटर है वो जल जाता है। तो मोटर में जो मैक्सिमम करंट है वो कैसे करके पढ़ना है वो मैं आपको किसी एक मोटर का नेम प्लेट जो होता है वो मैं आपको रीड करके दिखा दूंगा कल। तो बेसिकली जो ये जो ओवरलोड रिले है आपको क्या किससे बचाता है, मोटर की जो ओवरलोडिंग की कंडीशन है उससे बचाता है। अब देखो ये कैसे करके बचाता है, देखो यहाँ से ये करंट होता है, ये करंट आउटपुट होगा और ये आउटपुट होगा, मोटर यहाँ से कनेक्ट होगा। अब बहुत से स्टूडेंट लोगों को मैंने देखा है उनको क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि यहाँ से करंट इनपुट हो रहा है और यहाँ से करंट आउटपुट हो रहा है और मैंने अगर यहाँ करंट की सेटिंग 5 एम्पियर कर दी है, मान लो यहाँ पे एक स्विच है इसको घुमा करके, मैं कल आपको ये स्विच की सेटिंग करके दिखाऊंगा, ये स्विच की सेटिंग मैंने घुमा के 5 एम्पियर कर दी है, इसका मतलब ये है कि जब 5 एम्पियर से ज्यादा करंट मोटर लेने लगेगी तो ये जो कॉन्टेक्ट है ये ओपन हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है कि ये जो यहाँ से जो कॉन्टेक्ट की जो कंटिन्यूटी है ये कभी भी बंद नहीं होगी। ये रिले आप कितना भी 100% भी ओवरलोड कर दो तभी भी ये जो है ये ओवरलोड कभी भी जो है ये कॉन्टेक्ट आपस में ब्रेक नहीं होंगे। तो कैसे करके होगा, फिर प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? तो आप देखो यहाँ पे ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये कॉन्टेक्ट होते हैं इसके, ये कॉन्टेक्ट दो, इसमें एक ओपन कॉन्टेक्ट होता है और एक क्लोज कॉन्टेक्ट होता है।
जब भी मोटर 5 एम्पियर से ज्यादा करंट लेगी वो ये कॉन्टेक्ट जो है ये ओपन से क्लोज हो जाएंगे और ये जो क्लोज कॉन्टेक्ट है वो क्लोज से ओपन हो जाएगा। मतलब थर्मल ओवरलोड रिले में अगर इस कॉन्टेक्ट को आप चेक करते रहोगे और ये कॉन्टेक्ट क्लोज से ओपन या ओपन से क्लोज होता है तो आप समझ जाओगे कि जो मोटर है वो जो है ओवरलोड हो रही है। अब आप देखो इसको कैसे करके यूज करना है, इसको आप देखो ये ओवरलोड प्रोटेक्शन कैसे करके आएगा। ये ओवरलोड रिले लगा हुआ है, मान लो ये करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, ये ओवरलोड रिले लगा हुआ है 5 एम्पियर में आपने सेटिंग कर दिए, यहाँ 5 एम्पियर से ज्यादा हो गया। जैसे ही 5 एम्पियर से ज्यादा होगा ये पॉइंट ओपन नहीं होगा, ये पॉइंट ओपन नहीं होगा। कौन सा पॉइंट ओपन होगा? ये जो कॉन्टेक्ट है, जो क्लोज कॉन्टेक्ट ओवरलोड आपने लिया है, ये क्लोज कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा? क्लोज से ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये क्लोज कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा इस लाइन में फ्लो होने वाला पावर जीरो हो जाएगा। जैसे ही पावर जीरो हो जाएगा ये एम जो कॉन्टेक्टर की कॉइल है, कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट भी ओपन हो जाएगा और मेन कॉन्टेक्ट भी ओपन हो जाएगा और मोटर जो है वहीं के वहीं रुक जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो आपको जो है ये थर्मल ओवरलोड रिले, और एक और चीज, थर्मल ओवरलोड रिले काम कैसे करता है, ये बाय मेटल के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अंदर दो मेटल की अलग अलग पत्तियां होती हैं। जब करंट इसके अंदर रेटेड से ज्यादा जाता है तो ये मेटल की पत्तियां आपस में हीट होती हैं और हीट होकर के आपस में ये जो ओवरलोड का जो कॉन्टेक्ट है इसको ब्रेक कर देती है। ये ब्रेक हो जाएगा जैसे कि वैसे के वैसे जो है ये करंट फ्लो होना बंद होकर के मोटर को जो है जलने से बचा लेगा। तो हर मोटर सर्किटरी में ये थर्मल ओवरलोड रिले एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए। तो आपको जो है ये जो ओवरलोड रिले है ये के अंदर लगाना ही लगाना है। इसके बिना जो है आपका मोटर जो है किसी भी तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। ज्यादा ओवरलोड होगा, मोटर जल जाएगा और जो है आपको पूरा का पूरा मोटर ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखो थर्मल ओवरलोड रिले में। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। थर्मल ओवरलोड रिले में यहाँ से इनपुट होगा, ये इनपुट, ये T1, T2, T3 और ये नहीं L1, L2, L3 ऊपर है और T1, T2, T3 नीचे है। यहाँ से मोटर कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ से फेज आ जाएगा RB और Y, ये कॉन्टेक्टर से आएगा फेज। और जो यहाँ से जब आप करंट की सेटिंग ऊपर करोगे, करंट की सेटिंग कैसे करनी है इसके ऊपर मैं अलग से आपको कल पढ़ाऊंगा। करंट की सेटिंग कैसे करके करनी है, करंट की सेटिंग आप यहाँ पे कर दोगे उससे जब ज्यादा करंट होगा तो यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट है, इन दो कॉन्टेक्ट की वायरिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा? कंट्रोल सिस्टम की वायरिंग में आपको ये दो कॉन्टेक्ट की वायरिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही ओवरलोड होगा वैसे ही ये कॉन्टेक्ट जो है क्लोज से ओपन होकर ये पूरे के पूरे सर्किट को बंद कर देगा। इसमें से कोई भी पावर फ्लो नहीं होगा, मोटर को आप दोबारा नहीं चालू कर पाओगे जब तक कि ये कॉन्टेक्ट ओपन है। और ये कॉन्टेक्ट वापिस से जैसी मोटर ठंडी होगी, जैसी ओवरलोड रिले ठंडा हो जाएगा या नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, वापिस से ये कॉन्टेक्ट जो है ओपन से क्लोज हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली होगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये कॉन्टेक्ट जो है वापिस से ओपन से क्लोज होकर के फिर से आ जाएगा, फिर से आप स्टार्ट बटन प्रेस करोगे ये मोटर चालू हो जाएगी। लेकिन जब तक ये ठंडा नहीं होगा या जब तक ये नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर उस पर नहीं आएगा तब तक ये मोटर